गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं अमन फ्रॉम टीम वानरशाला और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लैसे। लैसे मींस एक बार को दूसरे बार को स्विंग के साथ कैसे ग्रैब करना है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इससे पहले हम लोगों ने एक ट्यूटोरियल शूट किया था जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि स्विंग कैसे करते हैं और लैंड कैसे करते हैं। तो लैसे सीखने से पहले हमारे उस ट्यूटोरियल को आप ज़रूर देखिए। उसको देखने के लिए आप इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसको अच्छे से देखिए और फिर सेकंड फेज में हम लैसे सीखेंगे। गाइज, लैसे के लिए अलग अलग गैप हो सकते हैं, डिस्टेंसेस वेरिएशन काफ़ी सारे होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक छोटे गैप पे ले जाता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ, फिर बड़े गैप्स में हम करेंगे। तो मैं आइए आपको अब उस गैप पे लेके चलता हूँ। तो अब हम आ गए हैं अपने गैप पे। यहाँ पे आप गैप देखेंगे तो 3 फीट्स के भी हैं, 4 फीट्स के भी हैं। तो सबसे पहले हम 3 फीट से स्टार्ट करते हैं। तो 3 फीट के गैप पे अब हम स्टार्ट करना है। फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको ट्रेनिंग करते जाएंगे आप गैप बढ़ाते जाइएगा। तो हमने सबसे पहले जो शेयर किया था कि स्विंगिंग सीखना है, स्विंगिंग में आपको पहले नॉर्मल हैंग करना है और अपने लेग से स्विंग क्रिएट करना है। तो आप अपने लेग्स को जब ऊपर टक करते हैं फिर पीछे लाते हैं, टक करते हैं फिर पीछे लाते हैं। तो ये स्विंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए। इसमें ग्रिप में हैंड मूव करता है। तो जब भी आपका स्विंग इम्प्रूव करना है या जब आप एक एडवांस स्विंग लेते हैं तो हैंड को ग्रिप रीग्रिप भी करना पड़ता है कई बार, क्योंकि आपको छोड़ना है तो हैंड को शिफ्ट करना होता है। तो जैसे मैं आपको एक बार दिखाऊँ यहाँ पर, तो आप मेरे स्विंग को देखिएगा कि जब मैं पीछे से आगे की तरफ आता हूँ तो फिर से रीग्रिप करता हूँ। मैं स्विंग किया, पीछे गया, फिर हैंड को शिफ्ट किया, पीछे गया, शिफ्ट किया, पीछे गया। तो एक तरीके का यहाँ पे आपको कैचिंग यूज करना है, जो हॉप होता है हैंड, रीग्रिप करता है और फिर उससे आप पावर लेते हो। तो ग्रिपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए सो दैट कि आपको बॉडी को थ्रो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ग्रिपिंग के बाद अब हम लोग स्विंग पे एक फिर से फोकस करते हैं कि स्विंग किस तरीके से करना है। स्विंग में आपको अपने वेस्ट को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। जितना आप वेस्ट ऊपर ले जाएंगे उतना बेटर आप हैंड से थ्रो कर पाएंगे और जब आप ग्रिप करने का टाइम आएगा तो आपके चेस्ट ऑलमोस्ट उस पोजिशन पर होंगे जहाँ पर आप इजिली ग्रिप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बैक को ऊपर नहीं उठाते हैं तो चांसेस होते हैं कि हैंड का ग्रिप छूट जाएगा और आप नीचे गिर सकते हो। तो मैं कैसे स्विंग करता हूँ मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि वेस्ट को ऊपर कैसे ले जाना है। स्विंग वेस्ट अप, स्विंग वेस्ट अप, स्विंग वेस्ट अप। ये था करेक्ट तरीका। कई बार जब आप स्टार्ट करते हो इसको सीखना तो स्विंगिंग में आपकी पूरी बॉडी यू नो फ्लैट होती है, तो वो गलत होता है। आप उसको एक बार फिर से देखिए कि ये बॉडी इस तरीके से यूज नहीं करना है। सो ये स्विंग यूज नहीं करना है। इसमें आपका वेस्ट ऊपर नहीं जा रहा है। जब ये टक नहीं होगा तब तक आपका वेस्ट ऊपर नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि नी को थोड़ा सा टक करें, वेस्ट को ऊपर ले जाएं। अब ये देखिए स्विंग में 3 फीट का गैप है तो मैं नॉर्मल, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी 5 फीट 4 फीट 6 फीट की है, तो टकिंग के बाद हैंड से थ्रो लिए। थ्रो जैसे ही करते हैं आपके सामने आपका डिस्टेंस होता है, आप उसको ग्रिप कर लेते हैं। अब मैं इसी को 4 फीट पर करके दिखाता हूँ जिसमें अब बॉडी के स्विंग के साथ जो फोर्स है उसको थोड़ा और ज़्यादा रखना है सो दैट कि आप डिस्टेंस ज़्यादा ले पाएं। इसमें आपने मेरा जो वेस्ट का पोजीशन है वो ऑलमोस्ट देखा होगा कि ये फ्लैट जा रहा है और नी ऊपर की तरफ है। ये पोजीशन करेक्ट है। बैक को बिल्कुल नीचे मत रहने दीजिए। अगर बैक नीचे रह गया तो आपका ग्रिप जाके छूट जाएगा। आपकी बॉडी जितना ऊपर से ग्रिप करेगी उतना बेटर ग्रिप होगा। तो कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिएगा, इसको रिप्ले करके देखिएगा, लेकिन अच्छे से इसको समझिएगा सो दैट कि आपके ग्रिपिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको किसी भी तरीके की यू नो चोट ना लगे इसके थ्रू। हम लोगों ने अभी 3 फीट पे किया, 3 फीट पे किया, 4 फीट पे किया। मैं अब आपको इसके और भी 4 फीट पे दिखाऊंगा, मैं 5 फीट पे भी दिखाऊंगा, 6 फीट पे भी दिखाऊंगा और 8 फीट पे भी दिखा सकता हूँ।
तो अब चलिए हम लोग चलते हैं बड़े गैप पे। अब ये गैप ऑलमोस्ट 6.5 feet का गैप है, तो अब यहाँ पे करते हैं सेम टेक्निक, सब कुछ वही, बस बॉडी के स्पीड को 1 swing, डबल स्विंग। तो इसमें आपने देखा होगा कि मेरा बॉडी स्विंग लेता है, ऊपर की तरफ फोर्स लेता है और ऊपर से आते हुए नीचे की तरफ पकड़ते हैं। इसमें स्विंग के साथ अपने बॉडी को ऊपर ले गए, फिर वहाँ से इजीली ग्रिप कर लिए। इसको जब आप स्लो मोशन में देखेंगे तो एक एक चीज़ों को समझ पाएंगे इजीली, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको 8 feet के ऊपर लैशे करके दिखा रहा हूँ, सेम टेक्निक सब कुछ, प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे आप अपने डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। क्लाइंबिंग यहाँ की हाइट ज़्यादा है, सेम स्विंग, वेस्ट का पोजीशन सेम रखना और फिर यूज करना है। अब ये देखते हैं, इसमें भी आपने देखा कि सही टेक्निक्स के थ्रू आप मैक्सिमम डिस्टेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इसको प्रैक्टिस करने से पहले बहुत बार रिपीट कीजिए, छोटे डिस्टेंस को अलग अलग वेरिएशंस को यूज कर सकते हैं। इसी के थ्रू आप बहुत सारे मूवमेंट को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्विंगिंग कैटलिप कर सकते हैं, अंडर बार कर सकते हैं, बहुत ऐसे मूवमेंट हैं जो इससे कनेक्टेड हैं। लेटर ऑन धीरे धीरे हम उसके भी प्रोग्रेशन पे जाएंगे, बट स्विंग को बहुत अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, कीप लर्निंग, कीप मूविंग। बाय बाय।